यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ फिजिक्स। क्लास नाइन्थ फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आपको आगे चल के इलेवंथ क्लास में भी बहुत ब्रॉड सिलेबस को कवर करेगा, वो है ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हायर क्लास में आपको नेक्स्ट आप इलेवंथ क्लास में इसको अच्छे से पढ़ोगे। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप IIT JEE नीट या कोई भी एग्जाम NTSC KVPY कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो ग्रेविटेशन के चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझिए और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपने अर्थ के बारे में है। ग्रेविटेशन देखो, ग्रेविटेशन क्या है एक्चुअल में, फिजिक्स में फोर्स के बहुत से टाइप है। फोर्स को बहुत अलग अलग नाम से हम फिजिक्स में जानते हैं। ग्रेविटेशन इज आल्सो ए फोर्स। ग्रेविटेशन भी एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स है, आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा इसके बैक हिस्ट्री पर थोड़ा जाके आपसे बात करूं। ये स्टोरी हर किसी को पता होगा आपको कि न्यूटन एक बार एक एप्पल के ट्री के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऐसा बताया जाता है कि उनके सामने एक एप्पल पेड़ से गिरा और न्यूटन ने उस एप्पल को लेके बार बार उसके ऊपर उछाला और ये सोचने लगे कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो करने पर हमेशा अर्थ के तरफ ही नीचे क्यों ड्रॉप होता है। ये बात उनके दिमाग में आई। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने पहली बार एप्पल को ड्रॉप होते देखा था या दुनिया में किसी आदमी ने पहली बार ऐसा देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, लेकिन एक मोमेंट था कि उस टाइम में न्यूटन ने इसको किन ऑब्जर्व किया। उन्होंने ध्यान से सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसे भी न्यूटन को हम साइंटिस्ट ऑफ द नेचर कहते हैं। न्यूटन ने जितने भी रूल्स दिए हैं सब के सब मैक्सिमम नेचर के एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन को ये चीज़ दिखा और उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया कि ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जो ओनली अट्रैक्शन फोर्स होता है। ग्रेविटेशन इज ए अट्रैक्शन फोर्स, यह एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें रिपल्सन नहीं होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स है और सबसे पहले अर्थ के बारे में हम इसको जाने, बाद में न्यूटन ने इसको बहुत ब्रॉड सेंस में, इसके बहुत सारे एग्जांपल है कि वाटरफॉल होता है जब बारिश होती है तो नीचे की ओर होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पैराशूट से यदि कोई पायलट जंप करता है फ्लाइट से नीचे ही ड्रॉप होता है, आप हर चीज़ जानते हैं कि नीचे ड्रॉप होता है। तो अर्थ में एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। बाद में न्यूटन ने इस अट्रैक्शन फोर्स को यूनिवर्सल लेवल पर स्टडी किया और एक रूल दिया, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, देखिए न्यूटन ने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया उसमें उन्होंने क्या बताया, उनका स्टेटमेंट क्या था। उनका स्टेटमेंट था कि सपोज वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। सपोज ये m1 मास का एक बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है m2 मास का, और दोनों एक दूसरे से सपोज डी डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो एफ है। ये सिचुएशन उन्होंने बताया और बोला इफ टू मास पार्टिकल केप्ट एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इज एफ, देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज एफ प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 एंड सेकेंड इज f प्रोपोर्शनल टू 1/d²
सपोज मैं वेरिएबल को यहाँ पर आर लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली बहुत से राइटर आर लेते हैं आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये टू स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, जैसे मेरे पास ये टू मार्कर है तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स बिटवीन टू मास पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यहाँ पर एक बात आपसे मैं डिस्कस करूँ कि इस रूल को हम यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ बोलने का मतलब यह है कि ये जो रूल है पूरे यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, हर कंडीशन पर, एयर में भी, वैक्यूम में भी, किसी मीडियम के अंदर में भी, अर्थ और मून के बीच में भी, मार्स और जुपिटर के बीच में भी, पूरे गैलेक्सी में किसी भी पार्टिकल के बीच, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी और सन और अर्थ के बिटवीन भी। दैट मीन्स इस रूल का कोई कंडीशन नहीं है, ये हर जगह अप्लाई है। इसीलिए इस रूल को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इसीलिए न्यूटन ने अपने इस रूल में यूनिवर्सल वर्ड यूज़ किया, ये आप ध्यान देंगे। नाउ कंबाइंड रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी फाइंड एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल, यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे और सपोज वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, ये हो जाएगा एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये कैपिटल जी क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका नाम न्यूटन ने दिया जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देयरफॉर कैपिटल जी इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, ये कैपिटल जी का फार्मूला हो जाता है कि यहाँ फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और यहाँ हम इसका यूनिट फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ का न्यूटन, आर डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर इंटू केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो केजी टू द पावर माइनस टू, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। क्लियर? तो ये कैपिटल जी उन्होंने बताया। तो ये होता है यूनिवर्सल, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब हमको यहाँ पर कैपिटल जी को डिफाइन करना है, डिफाइन कैपिटल जी। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैपिटल जी का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सपोज कर लें इफ आर इक्वल टू वन मीटर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज वन मीटर एंड मासेस इज वन के जी, एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू वन के जी, हमने सपोज कर लिया कि वो वन के जी है। क्लियर? तब हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें तो देयर फॉर कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा एफ, ये एफ हो जाएगा क्योंकि हमने इसको यूनिट ले लिया, इसको यूनिट ले लिया। तो यहाँ से हम कैपिटल जी दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट फोर्स और दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्ट बिटवीन वन के जी टू वन के जी मास पार्टिकल विच इज केप्ट वन मीटर अपार्ट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस फोर्स के, उस न्यूटन फोर्स के इक्वल होता है जो यूनिट मास पार्टिकल और वन के जी मास पार्टिकल वन मीटर डिस्टेंस अपार्ट में रखे होते हैं। बाद में न्यूटन ने इसका यूनिवर्सल कांस्टेंट का
वैल्यू कैलकुलेट करके बताया वो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि कभी भी हम इस पर बेस्ड जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाएंगे तो हमको कैपिटल जी का वैल्यू इतना पुट करना होगा। क्लियर? दिस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये रूल आपको आगे चल के हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ना होता है। नाइन्थ क्लास का जो फिजिक्स है वो कम्प्लीटली इलेवंथ को बिलोंग करता है। नाइन्थ में उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इलेवंथ में वो डिटेल में है। ठीक है, तो मैं अपने इस लेक्चर में कोशिश करूँगा कि पूरे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आप बाद में जब इसको इलेवंथ क्लास में पढ़ो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए, कोई भी पार्टिकल को अर्थ जब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत डिफरेंस है। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अभी मैंने जो कैपिटल जी का आपको वैल्यू बताया विच इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, मींस अर्थ में भी उसका वैल्यू उतना ही होगा, मून में भी उतना ही होगा, मार्स में भी उतना ही होगा, पूरे यूनिवर्स में उतना होगा। बट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज वेरिएबल, ये चेंज हो जाता है। तो स्मॉल जी क्या होता है, यदि कोई सपोज हमारे पास कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये अर्थ है, तो जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी अर्थ की ओर सीधा फ्रीली फॉलिंग होता है, फ्री फॉल होता है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसका हम कॉमन वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं जनरली, आर नियर अबाउट टू 10 मीटर पर सेकंड भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं कहीं कहीं पर अप्रॉक्स। लेकिन ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अभी आगे डिस्कस करूंगा कि कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मतलब दोनों में किस तरह का रिलेशन होता है ये देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दोनों में किस तरह का रिलेशन होता है। तो सपोज ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर हमने सपोज ये एक स्मॉल एम पार्टिकल रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज अर्थ का रेडियस को हमने कैपिटल आर ले लिया, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इस पार्टिकल पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एम जी। और अर्थ के मास को हमने यदि कैपिटल एम सपोज कर लिया तो इस मास पार्टिकल और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एफ इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर दोनों फोर्स हैं, दोनों को हम इक्वल कर दें तो हो जाएगा एम जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम स्मॉल एम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को फार्मूला मिल जाएगा जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। क्लियर? मतलब स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वह कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर?
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं, वो है वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्माइल जी। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्माइल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वेरिएबल है, चेंज होता है। तो किस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है ये अपन डिस्कस करते हैं। ये रिलेशन आप लर्न कर लेंगे, स्माल जी इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्माल जी एंड कैपिटल जी। बस इस रिलेशन को हम थोड़ा इसके फॉर्म को चेंज करते हैं, एक और फॉर्म आपको बता देता हूँ। देखिए, सिंस वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हियर कैपिटल डी इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। यहाँ से यदि हम निकालें तो यहाँ से हम मास का वैल्यू निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इक्वल डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम एक स्फेयर है तो स्फेरिकल पार्टिकल का 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो देयर फॉर जी इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर एंड पुट अप द वैल्यू ऑफ एम डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इम्प्लाइज स्माल जी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये जो आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर इसके साथ में क्या होगा, साल्व हो जाएगा, आर क्यूब है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, ये कांस्टेंट होगा 4/3 और पाई जी एक आर और डी। तो ये जो फार्मूला होता है यह भी स्माल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये स्माल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है मास के टर्म में, और यहाँ पर स्माल जी कैपिटल जी में रिलेशन है किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। सपोज हम कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वहाँ पर हमको अर्थ का मास गिवन है तो हम इसके हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सपोज हमको मास गिवन नहीं है उसका डेंसिटी गिवन है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। बोथ आर द रिलेशन बिटवीन स्माल जी एंड कैपिटल जी, क्लियर। तो ये आप अच्छे से लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्माल जी। वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्माल जी, स्माल जी के वैल्यू में किस किस तरह से वेरिएशन होता है इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए हम इसको हायर क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग मैं इसको टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ओनली। बाद में आप 11th क्लास में उसको आप प्रूव भी करोगे कि वो कैसे ऐसे होता है। तो फर्स्ट है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, विथ रेस्पेक्ट टू हाइट दैट मीन्स यहाँ पर एक फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ मैं। सपोज ये अर्थ है और अर्थ का सरफेस है, सपोज हम क्या करते हैं एच हाइट पर जाते हैं सपोज यहाँ, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, सपोज हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू हाइट क्या होता है उसका स्माल जी पर क्या इफेक्ट होता है, तो होता है डिक्रीज, डिक्रीजेस, ये आप याद रखेंगे। क्यों होता है इसका डेरिवेशन है आप आगे क्लास पढ़ेंगे, अभी आपको एक फैक्ट लर्न करना है कि विथ रेस्पेक्ट टू हाइट द वैल्यू ऑफ स्माल जी विल बी डिक्रीजेस। एक पोजीशन ऐसा आता है कि अर्थ से हम बहुत ऊपर चले जाएं तो जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, दैट मीन्स हम वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाते हैं, क्लियर। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ से हम ऊपर जाते जाते हैं तो जी डिक्रीज होते जाता है, फिर एक पोजीशन ऐसा आता है कि जी जीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, डेप्थ के रेस्पेक्ट में मतलब यदि हम अर्थ के अंदर चले आए इस तरह से यहां पर चले आए तो यहां पर भी जी का वैल्यू क्या होता है, अंदर जाने पर भी जी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, आल्सो डिक्रीजेस, आल्सो डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाता है। और सेंटर पर जो इसका वैल्यू होता है, अर्थ के सेंटर पर जी जीरो होता है, आप ध्यान रखेंगे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे जाते जाते हैं
ये डिक्रीज होते जाता है, और सेंटर पर जाएंगे तो जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड थर्ड इज शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ एक्चुअल में शेप, अर्थ का जो शेप है वो इस तरह से एग्जैक्ट स्फेरिकल ना होके, अर्थ का जो शेप है कुछ इस तरह से है, ऊपर से और नीचे से पोल पर क्या होता है थोड़ा सा अंदर की ओर दबा होता है। इसका शेप का नाम है ऑब्लेट स्फेराइड, या नाम आप याद रख लेंगे ऑब्लेट स्फेराइड। ऑब्लेट स्फेराइड शेप के नाम को बोलते हैं। जनरली हम लोग बच्चों से पूछते हैं अर्थ का शेप एप्पल की तरह होता है, उसकी तरह होता है, ऐसा कुछ नहीं है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेराइड। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है, देखिए रेडियस इसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहां ये होता है इसका इक्वेटर रेडियस, ये होता है पोल रेडियस। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण क्या होता है, इक्वेटर लाइन पर इसका जो जी है यहां पर जी मिनिमम होता है, यह आप ध्यान रखना। एट इक्वेटर स्मॉल जी इज मिनिमम एंड एट द पोल स्मॉल जी इज मैक्सिमम। क्लियर? इस तरह से इसके कारण क्या होता है कि शेप ऑफ द अर्थ के कारण प्लेस चेंज करने पर, जैसे जैसे हम प्लेस चेंज करते हैं, सपोज अभी हम इस शहर में हैं तो जी का वैल्यू अलग है, यहाँ से सपोज हम 1000 किलोमीटर दूर चले जाएं और वहाँ पर हम स्माइल जी को वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो जहाँ पर लॉन्च पैड बनाया जाता है तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्माइल जी को कैलकुलेट करते हैं, और जहाँ पर स्माइल जी का वैल्यू मिनिमम होता है वहीं लॉन्च पैड बनाया जाता है, क्योंकि उसके कारण रॉकेट क्या है आसानी से ऊपर जा पाता है। क्लियर? तो ये है वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्माइल जी। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, एक बार रिपीट करता हूँ मैं। विथ रेस्पेक्ट टू हाइट स्माइल जी विल बी डिक्रीजेज, एंड विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ जी इज ऑल्सो डिक्रीजेज, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी इज जीरो, एंड द शेप ऑफ द अर्थ सिंस द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट कम्प्लीट स्फेरिकल इट्स शेप इज ऑब्लेट स्फेराइड, देयरफॉर एट इक्वेटर पॉइंट एंड पोल पॉइंट इट्स वैल्यू आर डिफरेंट, एट इक्वेटर पॉइंट जी इज मैक्सिमम एंड एट पोल जी इज एट इक्वेटर जी इज मिनिमम एंड एट पोल जी इज मैक्सिमम। इतने फैक्ट आप याद रखेंगे, ये कहलाता है द वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। क्लियर? इस क्लास में कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट है, और आप कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखिए प्लेनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्लेनेट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि एट ए टाइम आज के डेट में हमारे कितने प्लेनेट्स हैं, 8 प्लेनेट्स हैं, ठीक है। कुछ साल पहले 9 हुआ करते थे। ये एक सोचने की बात है कि नंबर ऑफ प्लेनेट्स डिक्रीज कैसे हो गए। तो एक्चुअल में प्लेनेट डिफाइन करने के लिए उसके कुछ कंडीशंस हैं कि हम उसको प्लेनेट्स कैसे हैं। प्लेनेट्स का डेफिनेशन ये है कि जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है, जो सर्कुलर मोशन करता है और अपने एक्सिस पर रोटेशन मोशन भी करता है, वो क्या कहलाता है, प्लेनेट कहलाता है। तो प्लूटो जो पहले प्लेनेट था आजकल प्लेनेट के ग्रुप से बाहर है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि केपलर ने किसी भी प्लेनेट के को प्लेनेट कहने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स बताए, और जब तक वो ये थ्री रूल्स केपलर ने दिया उसको फॉलो नहीं करेगा तब तक हम उसको प्लेनेट नहीं कह सकते। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट रूल, इसके 3 रूल्स हैं। फर्स्ट लॉ इज, केपलर का कहना है कि जितने भी प्लेनेट्स होते हैं वो सब के सब इस तरह के पाथ में मोशन करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल जैसा ड्रा किया इसको बोलते हैं इलिप्स, इस शेप का नाम है इलिप्स। ये इलिप्स हैं
और इलिप्स का जो शेप होता है इस तरह से होता है, इसके टू फोकस पॉइंट होते हैं, एक S1 एक S2। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे इसके टू फोकी होते हैं। और केपलर का कहना है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से एक इलिप्टिकल पाथ में, सपोज अर्थ है तो इलिप्टिकल पाथ में वो मोशन करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ प्लेनेट इज इलिप्टिकल एंड द पोजिशन ऑफ सन इज एनी वन फोकी ऑफ द इलिप्स। दोनों में से किसी एक फोकस में हो सकता है वो। सन को हम यहां भी इमेजिन कर सकते हैं, यहां भी इमेजिन कर सकते हैं, ये प्लेनेट है। इस तरह से जितने भी प्लेनेट्स होते हैं एक्चुअल में वो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करते हैं, किस पाथ में करते हैं वो, इलिप्टिकल पाथ में करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया आपको, द पाथ ऑफ ऑल प्लेनेट्स इज इलिप्टिकल एंड द पोजिशन ऑफ सन इज एनी वन फोकी ऑफ द इलिप्स। मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्लेनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं और सन क्या होता है, दोनों में से उसके किसी एक फोकस पर होता है। तो सपोज प्लूटो, तो प्लूटो अभी इलिप्टिकल पाथ पर मोशन नहीं कर रहा है, उसका जो मोशन का जो पाथ है वो इलिप्टिकल नहीं है, इसलिए क्या होगा वो अभी प्लेनेट हम उसको नहीं कर सकते, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड सेकंड लॉ इज देखिए, सेकंड लॉ क्या कहता है कि सपोज अभी ये अर्थ का पोजिशन है यहां, अब आफ्टर टी टाइम हमने उसके पोजिशन की स्टडी किया तो सपोज सन यहां पहुंच गया ये, तो इतना एरिया उसने सन के साथ में कवर किया टी टाइम में। सपोज हमने टी टाइम में उसको और मोशन कराया तो सपोज अर्थ का पोजिशन ये है, अब उसने ये वाला एरिया कवर कराया किया। सपोज ये एरिया ए टू है और पहले उसने जो एरिया कवर किया था टी टाइम में वो ए वन है, तो सेकंड रूल क्या कहता है, ए वन इक्वल टू ए टू। दैट मीन्स एरिया कवर बाय एनी प्लेनेट, एरिया कवर्ड बाय एनी प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, एरिया इज कांस्टेंट। इसको मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज ए प्लेनेट वन आवर में इतना डिस्टेंस आया तो जितना एरिया स्वीप किया उसने, एरिया कवर, स्वीप किया मीन्स कवर किया, फिर वन आवर फिर आगे बढ़ा तो सन के साथ फिर जितना एरिया कवर किया, सपोज पहले उसने 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया और नेक्स्ट आवर वन आवर में फिर 100 मीटर एरिया कवर करेगा, फिर वन आवर में फिर 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। दैट मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द एरिया कवर बाई एनी प्लेनेट विथ रेस्पेक्ट टू सन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉल्ड केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, सेकंड लॉ। क्लियर? एंड नाउ थर्ड लॉ इज, थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब ये क्या है देखिए, आर मतलब है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लेनेट का जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जा रहा है, अब ये डिस्टेंस है ये है इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पहुँचेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, और इसी कारण क्या होता है किसी भी प्लेनेट में वेदर चेंज होता है। जैसे हम अर्थ के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में बात करें तो हम अभी यहाँ हैं, सपोज यहाँ पर आएंगे फार डिस्टेंस में, ज़्यादा दूर में हैं, तो इस समय हमारे एरिया में विंटर सीजन होता है, क्योंकि हम सन से ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं तो सनलाइट हीट उतना अच्छे से नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे जैसे हम सन के क्लोज होते हैं, जब यहाँ पर हम बहुत क्लोज हो जाएंगे तब कहा जाएगा समर सीजन होगा। क्लियर? इस तरह से देखिए केपलर ने क्या बताया कि द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड एनी प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन टाइम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितना जितना एरिया होता है उसका जो क्यूब होता है वो रिवॉल्यूशन टाइम क्या, टाइम पीरियड के क्या होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आगे हम यदि थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो दैट इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट इंटू टी स्क्वायर, देयरफॉर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट।
ये कहलाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्लियर, एक बार रिवाइज कर दूं। फर्स्ट लॉ इज द पाथ ऑफ ऑल प्लेनेट्स इज इलिप्टिकल एंड द पोजिशन ऑफ सन इज एनी वन फोकी ऑफ द इलिप्स। नाउ सेकेंड रूल इज द एरिया कवर बाई एनी प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। एंड थर्ड रूल इज द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीरियोडिक टाइम और ऑक्सीलेशन टाइम। क्लियर, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज थर्ड रूल। तो ये केपलर्स के थ्री रूल है। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि न्यूटन ने जो रूल बताया, न्यूटन ने अभी हम जो रूल्स पढ़े, तो हाउ डिड्यूस न्यूटन स्क्वायर लॉ बाय द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, पहले आप समझ लीजिए। न्यूटन ने ये जो बात बताया एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अभी मैंने आपको पढ़ाया एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द आर स्क्वायर, कि फोर्स जो होता है किसी भी दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है वह उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। तो एक्चुअल में न्यूटन को केपलर, न्यूटन के पहले के साइंटिस्ट हैं, केपलर ये चीज़ बता चुके थे और इसी के हेल्प से न्यूटन ने उसको गेस किया। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हाउ गेस न्यूटन दिस बाय द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ। न्यूटन ने केपलर के रूल को लेकर कैसे गेस किया कि फोर्स जो है डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे होता है देखिए, इसको हम छोटा सा इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। सिंस सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स होता क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर या इलिप्टिकल पाथ पर जब मोशन करता है तो सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, दैट इंप्लाइज एफ, एम यहां पर कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं हम एफ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई कांस्टेंट इक्वल के साथ में आता है तो उसको हम प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। क्लियर, एंड वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है सर्कुलर पाथ में तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम को हमने सपोज टी ले लिया, दैट इंप्लाइज इसको हम सॉल्व करें। क्लियर, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको सॉल्व करें, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो वी स्क्वायर, या पहले हम ऐसा लिख लेते हैं वी, यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है 2π कांस्टेंट है तो 2π को कांस्टेंट लेके हम इसको प्रोपोर्शनल बना सकते हैं तो वी प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन टी हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर मैं आर मल्टीप्लाई और आर डिवाइड कर रहा हूँ ऐसा। क्लियर, ऐसा हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए, ऐसा क्यों किए, दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया ऊपर में न्यूमरेटर में हो गया क्या आर क्यूब, ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, अभी मैंने बताया है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है कांस्टेंट, तो ऑलरेडी यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है तो कांस्टेंट उसके साथ मर्ज हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर। देयरफॉर अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट अप कर दें, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एफ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर इंटू आर, दैट इम्प्लाइज एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से न्यूटन ने ये गेस किया। तो न्यूटन ने एक्चुअल में एफ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर जो गेस किया वो कहाँ से गेस किया, वो गेस किया उन्होंने केपलर्स लॉ के थर्ड रूल से। क्लियर, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है बड़ा क्वेश्चन, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन हाउ गेस न्यूटन स्क्वायर इनवर्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ केपलर्स लॉ। क्लियर, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मास एंड वेट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट मास और वेट को एक जैसा चीज समझते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं
कि मास और वेट क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज है, मास एंड वेट। आप यहीं से अच्छे से समझ लीजिए कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। एक्चुअल में मास हमेशा एक कांस्टेंट है, मास कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान रखना बॉडी का वेट क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। कैसे, देखिए मास का सिंपल मीनिंग है टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये मार्कर है मेरे पास, तो इसका मास कितना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने इसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस वो क्या है, उसका मास है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, जो कि एक कांस्टेंट है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास में जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वेट ऑफ द बॉडी। तो हमारा जब वेट निकालना होता है तो हम अपने मास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मास कांस्टेंट होता है। जैसे सपोज हमारा मास अर्थ में जितना है, तो उसको यदि हम मून में चले जाएं तो हमारा मास उतना ही रहेगा, हम यदि स्पेस में चले जाएं तो अभी हमारा मास उतना ही रहेगा, बट हमारा वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होने से पूरा वेट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अर्थ में 60 kg का हूँ, ठीक, अर्थ में मेरा वेट कितना है, 60 kg है, लेकिन सपोज मैं मून में चला जाऊं तो 60/6 मतलब मैं 10 kg का हो जाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 1/6 ऑफ द अर्थ होता है। नियर अबाउट, ये आप ध्यान रखना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, सॉरी मून लिख दूं, मून इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ 6। तो यहां पर 6 डिवाइड हो जाएगा तो 10 kg का हो जाऊंगा। इसीलिए हम मून में जाके, मून में एटमॉस्फेयर नहीं, इसका कारण यही है क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बहुत कम है, जिसके कारण क्या होते हैं, गैस एस्केप हो जाते हैं। जैसे अर्थ में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस हैं, लेकिन मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत पुअर होने के कारण गैस क्या होते हैं, अर्थ उसके सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, क्लियर। तो ये होता है मास एंड वेट। तो देखिए मैंने आज आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको बताया, और आपको मेरा एक सजेशन है कि ग्रेविटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आगे चल के हायर क्लास में साइंस की स्टडी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना है, IIT JEE का प्रिपरेशन करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, तो मेरा एक सजेशन है आप 9th क्लास से ही अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। अदरवाइज IIT JEE का प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि हम 11th 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, उसका फाउंडेशन 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। ये फाउंडेशन क्लास है और आप 9th क्लास से ही उसको डेप्थ में जाके स्टडी कीजिए। मैंने सारे टॉपिक पर बहुत डेप्थ में डिस्कशन किया है, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।